नमस्कार दोस्तों, एग्रोफील्ड चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम गार्डनिंग में एप्सम सॉल्ट के उपयोग के बारे में जानेंगे। एप्सम सॉल्ट को हम कौन कौन से प्लांट्स पर यूज कर सकते हैं और कौन कौन से प्लांट्स पर नहीं, इसकी मात्रा हमें कितनी रखनी है, एप्सम सॉल्ट को हमें क्यों यूज़ करना चाहिए अपने प्लांट्स पर और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे एग्रोफील्ड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन डेली पाने के लिए। तो आइए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप्सम सॉल्ट असल में है क्या। हम जो एप्सम सॉल्ट यूज करते हैं वह मैग्नीशियम सल्फेट का ही दूसरा नाम है। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम और सल्फर का सोर्स होता है। चूँकि एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम और सल्फर पाया जाता है, इसलिए पौधों को मैग्नीशियम और सल्फर की कमी होने पर हम एप्सम सॉल्ट को यूज करते हैं। यह खाने में यूज होने वाला नमक बिल्कुल भी नहीं है। खाने में जितने भी तरह के नमक यूज किए जाते हैं, जैसे नॉर्मल वाला सफ़ेद नमक, सेंधा नमक, काला नमक, इनमें से कोई भी एप्सम सॉल्ट नहीं है। एप्सम सॉल्ट असल में नमक होता ही नहीं है, यह मैग्नीशियम सल्फेट होता है। एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट ग्रेन्यूल्स और पाउडर दोनों रूप में आसानी से मिल जाता है। घरों में यूज होने वाले नमक को आप गलती से भी अपने प्लांट्स पर न डालें, इससे आपका प्लांट्स श्योर जल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एप्सम सॉल्ट को हम कौन कौन से प्लांट्स पर यूज कर सकते हैं और किस पर नहीं। तो दोस्तों, एप्सम सॉल्ट को हम मोस्टली सभी तरह के प्लांट्स पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि एप्सम सॉल्ट का पीएच न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। उदासीन का मतलब दोस्तों, इसे न तो हम एसिडिक कह सकते हैं और ना ही एल्केलाइन। आप बेझिझक होकर मोस्टली सभी तरह के प्लांट में एप्सम सॉल्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गुलाब, गुड़हल, मोगरा, गुलदावदी, बोगनविलिया, नींबू वगैरह फल में, संतरा, मौसम्बी। इसके अलावा अंगूर, अनार, आलू, मिर्च, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी वगैरह। आप सिर्फ पाम ट्री में एप्सम सॉल्ट का प्रयोग न करें। पाम ट्री किसी एक प्लांट का नाम नहीं है। पाम ट्री में नारियल, खजूर, ताड़, अरेका पाम वगैरह आते हैं। दोस्तों, मैग्नीशियम की कमी होने पर पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। यह पीलापन पत्तियों में बीच बीच में धब्बों के रूप में हमें दिखाई देता है। वैसे तो पत्तियों के पीले होने के कई कारण होते हैं, जैसे हिबिस्कस यानी गुड़हल में आपने देखा होगा मिली बग्स और ब्लैक एफिड का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। ये पत्तियों का रस चूस लेते हैं और पत्तियाँ पीली पड़कर झड़ने लगती हैं। इसके अलावा स्वस्थ पत्तियाँ भी अपनी उम्र पूरी करने के बाद पीली पड़कर ही झड़ती है। ये सभी सिम्टम्स ध्यान से देखने पर आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। जब नई पत्तियां निकलती हैं उनमें अगर आपको पीलापन दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि पौधों को मैग्नीशियम नहीं मिल पा रहा है, मिट्टी में मैग्नीशियम की कमी हो गई है। मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए आप एप्सम सॉल्ट का घोल यूज कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जिसकी ज़रूरत सभी पौधों को होती है। यह पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है। एप्सम सॉल्ट की मात्रा और उपयोग करने की विधि की बात की जाए तो आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को घोलकर प्लांट में डाल सकते हैं। यह क्वांटिटी मैंने एक प्लांट के लिए बताई है। अगर आपके प्लांट की स्टेम पेंसिल की थिकनेस या उससे भी मोटी है तभी आप 1 चम्मच यूज कर सकते हैं। अधिक प्लांट में यूज करने के लिए सेम इसी रेशियो में आप घोल तैयार कर लें। मैंने 4 लीटर पानी लिया हुआ है, इसलिए एप्सम सॉल्ट भी मैं 4 चम्मच यूज करूँगा। 4 चम्मच मैं इसमें डालूँगा। यूज करने से पहले आप अपने प्लांट्स में फुल वाटरिंग कर लें। अगर आपने प्लांट्स को गमलों में लगा रखा है तो पानी गमलों से नीचे होल से निकलती दिखाई दे, इतनी वाटरिंग आपको कर लेनी है। इसके बाद आप एप्सम सॉल्ट के घोल को अपने पौधों में डाल सकते हैं। बेस्ट और फास्ट रिजल्ट के लिए इसको स्प्रे के रूप में यूज करें। स्प्रे करने पर इसका रिजल्ट आपको कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा। वाटरिंग करने का कार्य हो या स्प्रे करने का, इससे आप हमेशा शाम के वक्त ही करें। अगर आप सिर्फ वाटरिंग करना चाहते हैं तो कभी कभी सुबह के वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन दवाओं का स्प्रे हमेशा शाम को ही करें, क्योंकि दोस्तों दिन में स्प्रे करने पर धूप की वजह से ट्रांसपायरेशन तेज़ी से होगा और दवाओं का असर उड़ जाएगा। पत्तियों के पीले होने की स्थिति में आप 1 महीने तक रेगुलर यूज करें और सप्ताह में सिर्फ 2 बार, यानी महीनों में 1 महीने में टोटल 8 से 9 बार आपको यूज करना है। 1 महीने से ज़्यादा यूज ना करें। और एक बात दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि पौधों को मैग्नीशियम की कमी होने पर ही
हम इसे यूज करें, इसे महीने में एक बार स्प्रे करते रहेंगे तो पत्तियों के पीले पड़ने की समस्या नहीं होगी। पत्तियां फोटोसिंथेसिस अच्छी तरह से कर पाएंगी और हमारा प्लांट्स हेल्दी रहेगा। तो दोस्तों, यह कुछ जानकारियां थी एप्सम सॉल्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन डेली पाने के लिए। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।